अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं लाइफ विद सादिया माय यूट्यूब चैनल। तो शोबिज़ की अगर बात की जाए तो शोबिज़ एक ऐसी दुनिया है जिसका कुछ पता नहीं चलता कि कब इसमें से कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाएगी कि सब सुनकर हैरान रह जाएंगे। और ऐसी ही एक हैरान कुन खबर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि दो जवान बेटियों की अदाकारा माँ ने बुढ़ापे में शादी करी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बेटियों ने अपनी मर्जी से अपनी माँ की शादी की और उनकी तन्हाई का ख्याल करते हुए उनकी दूसरी शादी कर दी। और दूसरी बात यह कि उन्होंने अपनी माँ की तमाम सुमात भी शादी की अदा की और उन्हें शादी के मौके पर लाल जोड़ा भी पहनाया। वो अदाकारा कौन है और उन्होंने किससे शादी की है, ये सब कुछ डिटेल में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। और अगर सारी डिटेल जानना चाहते हैं शादी के बारे में तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मैं बात कर रही थी जनीता असमा की वालदा की शादी। जनीता असमा को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया और एक मशहूर फिल्म रॉन्ग नंबर में भी काम कर चुकी हैं। और उन्होंने अपनी वालदा असमा खान की शादी कर, पहले बात कर लेते हैं उनके शोहर के बारे में कि उनकी शादी किससे हुई है। उनकी शादी जो हुई है वो फैसल खान से हुई है जो कि अमेरिका में एक मशहूर बिजनेसमैन है और इनकी शादी कराची में हुई थी। और अगर शादी की ड्रेसिंग की बात की जाए तो माइयों पर असमा खान ने माइयों के लिहाज से येलो कलर की ड्रेसिंग की, जबकि शादी के मौका पर बरात वाले दिन उनकी बेटी उन्होंने रेड कलर का गरारा पहना जो उन पे बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। और असमा खान बुढ़ापे में भी काफी जवान लग रही थी। एक बात आप लोगों को मजीद बता दूं कि उनकी शादी को कुछ माह हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी की पिक्चर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अगर बात की जाए असमा खान की तो वो एक मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उन्होंने 90 की दहाई में अपने काम का आगाज किया था और जल्द ही टीवी की एक मशहूर नाम बन गई थी। इतनी ज्यादा शोहरत कमाने के बावजूद भी वो शोबिज को खैरबाद कह चुकी थी और काफी अरसा तक शोबिज से गायब रही। फिर 2010 में वो ड्रामा सीरियल मेरे साई में दोबारा अपने फैंस को नजर आई और लोगों ने उनके काम को बेहद पसंद किया। आप लोगों को मजीद बता दूं कि असमा खान की दो बेटियां हैं, एक का नाम जनीता असमा है जो कि टीवी पर काम करती हैं और एक मॉडल और एक्टर हैं और अच्छी एक्टिंग करती हैं। और फिल्म रॉन्ग नंबर में लोगों ने जनीता की एक्टिंग को बेहद सराहा था। तो आप लोग भी कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को असमा खान की इस उम्र में शादी का सुनकर कैसा लगा। तो अगर मैं अपनी राय का इजहार करूँ तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर उनकी बेटियों ने उनकी तन्हाई का ख्याल करते हुए उनकी शादी कर दी है। अगर किसी का घर आबाद होता है तो ये तो खुशी की बात होती है, परेशानी की बात तो तब होती है जब किसी के दरमियान डाइवोर्स होती है और किसी का घर बर्बाद होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।